थोड़ा कैबेज को अगर आप खाना चाहते हो तो थोड़ा उसको चटपटी करना चाहिए। और ये तो जानते हो, ये मेरा पेड़ में इतना लेमन होता है, तो थोड़ा दे देती हूँ। बस बाबू को देखो कितना कष्ट कर रहे हैं। थोड़ा मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट के लिए दही और जकौड़ और सबसे अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा डर रही हूँ, चिकन को मैंने ऐसा कभी पकड़ा नहीं। तो मैरिनेट होने के बाद 5-10 मिनट छोड़ दूंगी, उसी टाइम मैं मसाला रेडी करूंगी। तो प्रिपेयर करेंगे आज पूरा देसी खाना। इसको पूरा खोलना पड़ेगा, ये देखिए पूरा ऑर्गेनिक यंग चिकन, उसका अंदर कुछ भी नहीं रहता है, पूरा क्लीन करके अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको अंदर क्या है। अंदर कुछ नहीं है, नहीं, गट्स है, ये क्या है? नेक, द नेक पोर्शन। पहले तुम धो लो चिकन को, उसके बाद काट लेना। दुख लगने का क्या है, इतना आदमी करता है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा दिखा, एक बीच का पोर्शन ना तुम काट दो, बीच का पोर्शन उसके। हाँ, कुछ भी नहीं है, बीच का पोर्शन का कैंची से काटना पड़ेगा। अब छोटे छोटे पीस करेंगे, और इंडियन स्टाइल कढ़ाई चिकन। कढ़ाई चिकन, चलो मैं रेडी करती हूँ मसाला, तुम छोटे छोटे पीस करना, लेकिन कैंची ठीक होता है देवाशीष, जानते हो? मैं देखा बड़े बड़े होटल में जो कटते हैं बाहर, वो कैंची से टक टक करके कट देते हैं। और एक, हाँ ऐसे ना ना बाबा, हम लोग के बाड़ी रखना चाहिए, एक मार्तुल होम डिपो में मिलेगा सब कुछ। जो हॉलीडे है, दोनों मिलके कुकिंग कर रहे हैं, और देवाशीष तो नहीं आएंगे वीडियो के पास, और पीछे से सब करते हैं, हेल्प कर रहे हैं मुझे। चिकन छोटे छोटे सुंदर से पीस करके देंगे, और मैं आज कढ़ाई क्या बनाने वाली हूँ, कढ़ाई चिकन। तो चलिए, इसके लिए मैं क्या किया आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं ऑनियन को काट दूंगी, और अदरक लहसुन पेस्ट दही के साथ मैरिनेट करेंगे, उसके बाद जो है मैं दिखाती जाऊंगी, और आप ब्लॉग को शुरू से लेके एंड तक देखिए। स्किन को निकाल दे के बेचते तो अच्छा होता। तो आज का ब्लॉग हम लोग का कुकिंग स्पेशल ही रहेगा, दोनों मिलके आज कुकिंग करेंगे, बस यही। और थोड़ा राइस बैठा दिया, और अभी प्रेशर कुकर, ये तो कढ़ाई मैंने बोला, लेकिन मैं सोच रही हूँ प्रेशर कुकर में ही करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आलू को फ्राई करके निकाल दूंगी। तो अभी मैरिनेट करेंगे चिकन को, और मेरा आलू हो रहा है, ये देखिए आलू को चिकन सुंदर सा एकदम छोटे छोटे पीस हो गया है, अभी मैरिनेट कर लेंगे। चलो यहाँ का दही इतना अच्छा होता है,
देवशीष तुम्हारा ड्यूटी है, मैरिनेट करो। क्या हाथ में करोगे या स्पून में? हाथ में। बाबा पूरा एक्सपर्ट बन गया। ये जिंजर पेस्ट थोड़ा देंगे। और ये गार्लिक, अभी देवाशीष करेंगे मैरिनेट। देवाशीष मैरिनेट जल्दी जल्दी करो, उसको थोड़ा ये कर देंगे, 5-10 मिनट रहेगा। आज तुम्हारा कढ़ाई चिकन पूरा देखते हैं कैसा होता है। मेरा आलू भी हो चुका है और मैं अभी जो स्टार्ट करूंगी ये है गरम मसाला। अभी जो मैं निकाल के रखा है उसको भी दिखा देती हूँ। ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च, ये गरम मसाला पाउडर और थोड़ा चिकन मसाला। वैसे जब तक मैरिनेट करेंगे मैं 5-7 मिनट के लिए दूसरा काम में लग जाऊंगी और उसको थोड़ा कवर करके रख देंगे। अच्छे से हो गया? आई थिंक सो। ये बहुत जरूरी है, जितने अंदर जाएगा उतना ही अच्छा होगा तुम्हारा चिकन। बस तो मैं ले रही हूँ ऑयल। आपको तो मैंने बहुत बार बोला मैं 1 की 2 टेबल स्पून से ज्यादा ऑयल कभी यूज करना पसंद नहीं करती हूँ, उसी में जो हो बस। अभी चलिए ये ड्राई मसाला को डाल देते हैं, इसे भी पूरा गर्म है। आपको जो अच्छा लगेगा ड्राई मसाला और जो क्या गर्म मसाला वो आप ले लीजिए। और इधर में प्याज कट के रखा था उसको डाल देंगे। मैं कोई भी पेस्ट वाला मसाला नहीं लूँगी, हम लोग यही करेंगे। ऑलरेडी इधर अदरक लहसुन पेस्ट सब दिया, क्योंकि ऐसे भी जैसे आपको पसंद है सर। इसी के अंदर में ये जो सूखा हुआ मसाला को मैं डाल दूंगी और थोड़ा पानी दे दूंगी। थोड़ा कैमरे को पास लाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और ये है टमाटर और ये आलू बाद में डालेंगे। और कढ़ाई चिकन में जब हो जाता है आप क्या करोगे, ऐसे तो हम लोग करने के टाइम और भी बाकी है लेकिन लास्ट में
एक कैप्सिकम को छोटे छोटे पीस करके डाल के उसका कवर कर देते हैं। तो मैंने डाल दी आलू और ये टमाटर, उसको मिला लेंगे और थोड़ा उसको अच्छे से मिला के जैसे पानी को रिड्यूस करने के बाद ये पानी देंगे और बाद में मैं एक कैप्सिकम लाती हूँ उसको छोटे छोटे पीस करके ऊपर गार्निश करके कवर कर देंगे। मेरा कढ़ाई इसे तो और कोई चिकन अपना स्टाइल में बनाता है और इसमें डिफरेंस हाथ का जो बोलते हैं ना, डिफरेंट हाथ से बनाने से अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है देवाशीष ने भी अच्छा मैरिनेट कर लिया मेरे लिए। तो अभी मैं इसको पूरा अच्छे से मिला लूँगी और पूरा उसको अच्छे से आपको याद है ना मैं ऑरेंज लाई थी, तो उसको थोड़ा यूज कर लेती हूँ, सलाद बना रही हूँ और ये काफी खट्टा मीठा टेस्ट है, बहुत स्वीट नहीं, ये खट्टा है लेकिन बहुत खट्टा नहीं, जैसे सिलेट कमला बोलते हैं ना हम लोग, वो नहीं। तो ये मेरा सलाद भी रेडी और थोड़ा क्यूकम्बर को काट लेती हूँ, उसके बाद में थोड़ा कैबेज को अगर आप खाना चाहते हो तो थोड़ा उसको चटपटी करना चाहिए। और ये तो जानते हो ये मेरा पेड़ में इतना लेमन होता है, तो थोड़ा दे देती हूँ बस। ये इतना पानी निकला मैं कढ़ी में शिफ्ट कर लिया और ये जो पानी मैंने सोचा था इसके ऊपर डालूंगी और नहीं डालूंगी बाबा। और हाँ, मेरे पेड़ में जो कैप्सिकम था ये तो येलो कैप्सिकम है, वही डालूंगी और ऊपर थोड़ा प्याज देके उसको कवर कर देंगे और भी ये डाल देंगे। मेरा तो पानी रह गया, मुझे बहुत दुख हो रहा। तो ये कैप्सिकम और थोड़ा प्याज, कढ़ाई चिकन कोई कोई लास्ट में बटर भी देते हैं, लेकिन ये तो मेरा घर का है और मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आज जो हमने किया वो ही मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमने किया खाया दिन भर किया किए। तो ये भी बहुत अच्छा हो गया है, इतना पानी था बिल्कुल पानी नहीं लगा। तो चलिए मैं रेडी करती हूँ खाने के लिए, उसके बाद मिलूंगी। तो ये है राहुल, राहुल बिल्कुल अमेरिकन बन चुका है। अब मैं वही रोटी के अंदर ये एग है एग के साथ और थोड़ा वेजिटेबल देखिए थोड़ा उसके साथ बंधा गोभी और गाजर, बस ये उस सॉस के साथ उसका डिनर है। और रेडी हो चुका है देवाशीष बाबू गायब, वो तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठंड से मेरा गाल देखिए पूरा एकदम क्या रेड रेड हो गया है, तने ठंड से अगर बाहर जाती हूँ तो ये पूरा एकदम क्या मैं बोलूँ टमाटर की जैसा हो गया है। तो क्या करना है, चलिए इसको फिर क्रीम देके ठीक करना है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये मेरा इयररिंग गुम हो गया था, मुझे मिल गया है, इतना टेंशन हो रही थी कहाँ से कहाँ रख देती हूँ, भूलने का जो बीमारी है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है एज के हिसाब से। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही रख रही हूँ, बिल्कुल जज मत कीजिए, साधारण सा कुकिंग करती हूँ, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है जब मिल के आप कुछ भी बनाओ। देवाशी सचमुच थोड़ा थोड़ा हेल्प भी कर लेते हैं। और हाँ, राहुल का कल से शुरू होगा एग्जाम, राहुल के लिए भी थोड़ा एग रोल बना के रख दिया, एग में आज मैं छुपा के थोड़ा वेजिटेबल भी डाल दिया, मम्मी हूँ ना
तो चाहती हूँ बच्चे थोड़ा वेजिटेबल खाया करे। हम लोग तो, मुझे याद है जब हम छोटे थे, मम्मी ने कान को पकड़ के कर्ल और जो बोलते हैं ना करेला, उसको भी खिलाते थे जी, खाओ सब खाओ। ऐसे भी तो हॉस्टल में हम लोग का आधा लाइफ चला गया, तो बहुत सारे चीज़ हम लोग खाना सीख गए। लेकिन आजकल के बच्चे को फोर्स नहीं कर पाएंगे, कितना मीठे से बाप रे धन रे गेलूरे ऐसे बोल के ही खिलाना पड़ता है। तो चलिए कल फिर नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिलूंगी। टिल देन कीप गोइंग कीप स्माइलिंग। आजकल मैं रेगुलरली ब्लॉग नहीं डाल पाने के लिए आप सब से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि एग्जाम है और नेक्स्ट वीक मेरा एग्जाम ख़त्म होने के बाद मैं इंडिया जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी, बिल्कुल रेडी। तो मिलेंगे इंडिया में भी, जो मेरे सब्सक्राइबर है और सब रेडी हो जाइए। हाँ, और देखते रहिए ब्लॉग को, अच्छे कमेंट की ज़रूरत है। बाय बाय। तुम उतना ही सलाद खाओगे? हाँ। बाबा क्यों खा रहे हो? खाओ 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 के बोलो थोड़ा कैसे हुआ है। बहुत अच्छा। क्या बोलता है? सलाद के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं। नहीं, I like chicken also। चिकन का ये अच्छा हुआ? अच्छा हुआ तो पूरा एकदम नंबर वन मुझे मिल जाएगा थोड़ा। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मिल के मिल के तो सर्टिफिकेट मिल गया। वेरी गुड।